क्या हुआ बैठे क्यों? अरे चलो यार मम्मी, यार मम्मी चलो अभी चलो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह सुबह मस्त नहा धो के रेडी हो गए हैं और यहाँ चल रही है शादी की तैयारी। तो यहाँ पे छत पे देखो टेंट लगा दिया है, तो आज से सारे रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे स्पीकर लगा दिया, इसमें मस्त भजन चलेंगे। सुबह सुबह बच्चों के लिए मैगी बना दी यहाँ पे। क्या कर रहा था? अरे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? चाट रहा था इसको, चाट रहा था। गद्दे आ चुके हैं, कितने सारे गद्दे ले आए एक साथ। अब हम जा रहे हैं मंदिर, चितई मंदिर, जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं। जब भी हम अल्मोड़ा आते हैं ना, तो वहीं पे जाने का प्लान बन रहा है। और वहाँ पे ना अपनी विश लिख सकते हैं और वो विश पूरी होती है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। मस्त चलते हैं वहाँ पे, जब भी अल्मोड़ा आते हैं हम पक्का जाते हैं वहाँ पे। होपफुली हमारी गाड़ी सेफ हो, रात भर यहीं खड़ी रहती है ना। चलो भाई गाड़ी लेके निकल गए, और देखो इधर का व्यू कितना मस्त आ रहा है। तो गाइस पहुंच गए चितई मंदिर, अब चलते हैं अंदर। हाय पीयूष, हेलो, कैसे हो? हेलो, एक सेल्फी ले लो। तो गाइस मंदिर पहुंचते हमको काफी सारे सब्सक्राइबर मिले हमको, तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस मंदिर में तो आ गए हैं, और देखो यहाँ पे कितनी घंटियां, चारों तरफ घंटियां ही घंटियां हैं। पर्चियों में साफ सबकी विशेज है, हम भी लिखेंगे यहाँ पे, दर्शन करते उसके बाद। तो भी गाइस टाइम आ चुका है अपनी विश लिखने का, तो पर्चियों में अपनी विश लिखते हैं और यहाँ पे बांधते हैं। और ये एक्चुअल में पूरी होती है, मेरे तो दो बार पूरी हुई है, तो मैं तो बहुत मानता हूँ गाइस। लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और सभी यहाँ पे अपनी विश लिख के जाते हैं। तूने लास्ट टाइम लिखी, तेरी पूरी होगी थी? तो पीयूष की पूरी हुई, लेकिन हाँ सच्चे मन से, ओनली विश के लिए नहीं कि विश पूरी होगी इसलिए आ रहे हैं। सच्चे मन से आओगे तो भगवान जरूर सुनेगा। लो भाई मैंने तो लिख लिया। पीयूष वही मांगेगा ना? क्या वही मांगेगा ना? मुझे पता है, मुझे पता है गाइस। मैं जब भी अल्मोड़ा होता हूँ तो मैं यहाँ जरूर आता हूँ, क्योंकि अलग ही वाइब्स है यहाँ पे। तो अब चलते हैं विश बांधने के लिए। भाई पढ़ियो मत, पढ़ना मत कोई। ओके जी, चलो गाइस अब चलते हैं मंदिर से। घर में शादी भी और हम मंदिर आ गए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आना जरूरी था ना, क्योंकि अल्मोड़ा में जब भी आते तो यहाँ जरूर आते हैं। क्या खाएगा? जो मिल जाए। तो हमारे आलू आ गए, तो पहले आलू खाएंगे। ब्रेड पकौड़ा, चटनी, बहुत टेस्टी हो रहा आलू तो। तो गाइस मंदिर से आ गए, खाना पीना भी हो गया हमारा, और हम नंगे पांव ही गए थे। ये देखो शूज यही पड़े अपने मस्त। गाइस ये देखो पहाड़ों में ये दिक्कत होती है, जैसे दो बस आ गई ना, अभी निकल नहीं पा रही है, क्योंकि वो जाएगी टच हो जाएगी। देखो टच बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो कैसे निकलेगी देखते हैं। पीछे करना पड़ेगा एक को, दोनों खड़े हो गए भाई, हिल नहीं रहा कोई भी, हिल नहीं रहा कोई भी, दोनों खड़े हो गए हैं। कर ली पीछे, कर ली, कर ली। चलो भाई अब निकल जाएगी। पहुंच गए घर पे। तो भी गाइस लब्बूदी और मैं यहाँ बैठे हैं, अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं, बचपन में कितनी मस्ती करते थे। अब लब्बूदी जाने वाली है, शादी होने वाली है, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, बहुत कुछ करते थे यार, मतलब मस्त घूमते रहते थे, मंदिर जाते रहते थे, चितई मंदिर पैदल पैदल जाते रहते थे। आप वो दिन वापस नहीं आएंगे गाइस। अगर आप भी छोटे हो तो अपने दिन अच्छे से जी लो, नहीं तो बाद में शायद बाद में मौका नहीं मिलेगा, शादी वादी हो जाएगी ना फिर। हाँ फिर तो गए, फिर तो गए। हमारे पास ना स्कूटी होती थी, ना गाड़ी होती थी, कुछ नहीं होता था। हम पैदल पैदल चितई मंदिर, इतनी 10-10 किलोमीटर पैदल जाते थे मंदिर मंदिर। हाँ खाना भी लेके जाते थे। पुराने ब्लॉग्स में होगा शायद, पुराने ब्लॉग्स उस टाइम फेमस नहीं था इतना, उतने उस टाइम सब्सक्राइबर भी नहीं थे, 10-10 सब्सक्राइबर भी नहीं थे उस टाइम। आर्ट चैनल था उस टाइम, सिर्फ आर्ट चैनल। चलो फिलहाल बातें बातें करते हैं हम बैठ के, मिलते हैं फिर आपसे। चलो गाइस अब डांस वांस करेंगे यार। शादी में आए हैं, पत्ते खेलने आए हैं। तो गाइस अब हम खेलेंगे हाइड एंड सीक, इन सबको छुपना है और मैं इनको ढूंढूंगा। छुप जाओ भाई, छुप जाओ, मैं नहीं देख रहा, छुप जाओ, मैं नहीं देख रहा। मैं 50 गिनूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की बात है, 50 हो गया। जल्दी जल्दी छुपो, नहीं देख रहा यार मैं, जल्दी छुपो, जल्दी छुपो। अब जाऊंगा सबको ढूंढने के लिए, कहाँ छुपे देखते हैं। आ जाऊं क्या? बच्चे तो मेरे लड्डू मिल गए यहाँ पे, लड्डू बन रहे हैं देखो गर्मा गर्म। मेरे को लग रहा है कोई यहाँ पे है। पीयूष आइस स्पाइस, पीयूष माधव आइस स्पाइस। अरे कोई दिक्कत नहीं, अपना ही है, हमारा ही घर है। लड्डू मिल गए गाइस, यहाँ से ले लूँ। खेलते खेलते लड्डू मिल गए। लक्ष्य आइस स्पाइस, वैष्णवी आइस स्पाइस, वानू आइस स्पाइस, वैष्णवी आइस स्पाइस। सबसे पहले आप पीयूष ले लेना,
लास्ट में यार। अब मेरे छुपने की बारी आ चुकी है, तो फिलहाल मैं छुप गया हूँ, यहाँ बैठ गया हूँ मस्त। पीयूष यहीं आ रहा है, कहीं और जाता हूँ। हाँ उसने बताया, इसने बताया, इसने बताया भाई, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, इसने बताया। बचेगा नहीं, अब नहीं बचेगा ये। क्या बोल रहा था, क्या बोला? सौरभ मामा यहाँ है, सौरभ मामा यहाँ है। क्यों बोल रहा, क्यों बता रहा था? गाइस यहाँ पे हमको पूरा कमरा मिल गया लड्डू से भरा हुआ, तो मस्त खाएंगे अब। गाड़ी इकट्ठे कर रहा है, नाचो ना, क्या कर रहे हो ये? अबे यार ये बच्चे भी क्या करते रहेंगे, क्या कर रहे हो? बच्चों का अलग ही चल रहा है भाई, बच्चों का, बच्चे बच्चे ताश उठा रहे हैं। देखो क्या हुआ, बैठे क्यों? अरे चलो यार मम्मी, यार मम्मी चलो, अभी चलो, चलो सभी चलो, चलो ना, चलो चलो। चाची चाची ऐसे बैठने के लिए नहीं आए, बैठने के लिए आ गए, चलो। तो गाइस मस्त डांस किया, मेरे को अपना कुर्ता उतारना पड़ा भाई, इतनी गर्मी हो गई थी ना, पसीने से भीग गया हूं मैं तो। तो भी गाइस शाम के 7 बजने वाले हैं और ठंड बढ़ रही है, तो हमने यहाँ पे अपनी आग नहीं जलाई, हमने आग नहीं प्रज्वलित की हमने। गाइस आज तो यहाँ भी लाइट्स लगा दी, देखो पूरी ऊपर से नीचे तक। तो फिलहाल गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो गाइस आज खाना बन रहा है खेत में, तो देख के आते हैं चलो। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है खाना, तो अब से सारा खाना यही बनेगा खेत में। गाइस यहाँ पे रात को तो इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मेरे को स्वेटर डालना पड़ा, मेरे को कुर्ता उतारना पड़ा भाई, बहुत ज्यादा ठंड है, अभी ठंड लग रही है भाई। और मेरे को यहाँ के ब्लॉग करना पड़ा, बिकॉज वहाँ बहुत गाने चल रहे हैं, सब बैठे हैं ना, तो मैं सबके साथ में कंफर्टेबल नहीं कर रहा हूँ, तो डर सा लग रहा है मुझे, मुझे मुझे शर्म सी आ रही है सबके साथ में ब्लॉग करने में, सारे रिश्तेदारों के साथ में यार शर्म सी आ, इसलिए मैं यहाँ के ब्लॉग कर रहा हूँ। और मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रहा हूँ, ज्यादा ब्लॉग भी नहीं बना रहा मैं, भाई तो इन्जॉय कर रहा हूँ फैमिली के साथ में, रिलेटिव के साथ में, सबके साथ में। लेकिन भाई बहुत प्यारी वाइब है, बिकॉज पहाड़ी गाने चल रहे हैं, पहाड़ी घर है। चलो भाई डिनर रेडी हो गया, डिनर करते हैं अब। आज हमारा खाना यहाँ पे, क्या कर रहा है? चम्मच से पानी पी रहा है, पानी वेस्ट मत कर, बंद करो इसके, इसके सिर पे लगाओ एक थप्पड़ उल्टे काम। अरे पीने का ही नहीं कुछ। मेरा खाना तो आ गया, मिक्स वेज रोटी और चटनी, पानी आ रहा है मेरे पास, स्वादिष्ट। ठंड ठंड लग गई, ठंड हो रही है, बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज्यादा। ये देखो दुल्हन, दुल्हन को देखो। तो भी गाइस खाना पीना भी हो चुका है, अब चलते घर के अंदर, बाहर बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई। रात के 10:30 बज चुके हैं, सोने का टाइम आ चुका है, तो मैं सोऊंगा आज यहाँ पे। पीयूष यहाँ पे, चाची यहाँ पे, सब यहाँ पे सो रहे हैं, तो मैं इधर सोऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट है ना। गाइस कल मजा आने वाला है, कल है महिला संगीत, तो मस्त नाचेंगे, आज से भी ज्यादा नाचेंगे कल तो। और इस व्लॉग करता हूँ एंड, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। चलो गाइस अब चलते हैं, अब डांस वांस करेंगे। अबे गिर गया मैं, गिर गया।